हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, इतने दिन मैं कहाँ थी। मैं थी जयपुर में, क्योंकि मेरी नानी ऑफ हो गई थी, तो बस हम वहाँ 12 दिन वहाँ पर ही थे। तो इस माहौल में मुझे व्लॉग करना सही नहीं लगता है, तो बस ये जाते समय की क्लिप है। मैं ऐसे ही कैब में बोर हो रही थी, तो मैं अकेले थी तो मैंने ऐसे ही फ़ोन उठा लिया। तो ये है जयपुर का एयरपोर्ट, बहुत ही क्यूट सा डिसेंट सा एयरपोर्ट है, बहुत प्यारा सा। एंड मैं वापस मुंबई के लिए जा रही थी, तो मैं आपको दिखा दूँ ये व्लॉग। तो मैंने सोचा क्लिप बना लेती हूँ, थोड़ी बहुत जब भी अपलोड करनी होगी आपके साथ अपलोड कर दूँगी। ये कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं है, बस मैं छोटी मोटी क्लिप्स जो ली थी मैंने इन दिनों, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रॉपर व्लॉग होप मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, एंड अब से प्रॉपर व्लॉग आएंगे। ये कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं है, बस आपको दिखाना था कि इन दिनों, बताना था, अपडेट देनी थी कि मैं कहाँ थी और क्या कर रही थी इतने दिन। तो जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ऐसा सब कुछ ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई थी। तो बस मुंबई के लिए मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ और रवाना हो गई हूँ, एंड यहाँ पे मैं मुंबई पहुँच गई हूँ। ये मुझे अभी तक लेने नहीं आए थे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जल्दी आ गई थी एंड मैं ये लेट थे, तो मैं यहाँ बैठ के इनका वेट कर रही हूँ। ये टर्मिनल 1 है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब हम दोनों ब्लैक बेला का वॉश करवाने लेकर गए थे। तो यहाँ पे हमने हीरा नंदानी में ही बेकरी है, तो यहाँ पे मैंने रसमलाई पेस्ट्री खाई थी, इन्होंने पेटीज खाई थी, बहुत ही टेस्टी थी। लीजा, पापा क्या दिए आपको? चप्पल दिए? बेला को चप्पल खाना पसंद है, इसलिए आपके लिए चप्पल वाला टॉय लाए हो। देखो देखो, इधर आओ बेली, ये पहन लियो चप्पल। बेली कम कम, इच बन चुकी है। हाँ बेला, वॉक ही जाना है, नाइट वॉक बेटू, उठो उठो। और बेला उठने को तैयार नहीं, उठो बेटू, नाइट वॉक, उठो, उठ जाओ उठ जाओ। हार्नेस एंड सब कुछ बांध दिया उसके, लेकिन उसको नहीं उठना है, उसको वॉक करना नहीं। उठो उठ जाओ उठ जाओ उठो, कितनी आलसी बच्ची है ये। बाय बेलू। तुम गंदी बच्ची हो क्या बेला? ये क्या तरीका है? मम्मा ने सारे तकिए अभी लगाए और तुमने ऐसे फैला दिए। ज्यादा सीधी मत बनो, तुम बहुत चालाक हो तुम। हेलो गाइस, हेलो बेला, से हेलो। बेला नींद में है, एंड गुड मॉर्निंग। और अभी बज गए हैं सुबह के 10, एंड गुड मॉर्निंग हो गया था 8:30 के करीब। ये ऑफिस चले गए हैं और इनका टिफ़िन भी पैक कर दिया है, सब कुछ हो गया, नाश्ता वगैरह सब कुछ डन है। लंच दीदी बना के चली गई है, अभी वापस आएंगी। कुछ मतलब उनको झाड़ू पोछा वगैरह करना है। तो मैं इतने दिन कहाँ थी वो तो आप लोगों को पता चल ही गया था। तो बस अब से वापस से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, वापस से अपना काम स्टार्ट करते हैं। एंड मतलब आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे कि हाँ व्लॉग करो व्लॉग करो व्लॉग करो,
एंड मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आए थे कि हाँ व्लॉग क्यों नहीं कर रही हूँ, व्लॉग क्यों नहीं कर रही. तो ऐसा सब कुछ हो गया था, ट्रेजेडी, एंड व्लॉग नहीं आ पा रहे थे. सो अब आएंगे, रेगुलर आएंगे, तो आप व्लॉग ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा. एंड बस आप बहुत सारा प्यार दीजिए ऐसे ही. सो मिलती हूँ मैं आपको बाद में, बाय. हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज है 30th है आज, एंड आज मैंने सोचा व्लॉग कर ही लेते हैं. तो सुबह से कोई व्लॉग नहीं किया था, बस अभी शाम के बज रहे हैं, 7 बजने वाली है, और मैं आपको धूप दिखा देती हूँ. मुंबई में भयंकर धूप है, भयंकर गर्मी है गाइस, दिखाती हूँ मैं आपको. और ना यहाँ मैं आपको मतलब मैंने वॉइस दिया था लेकिन बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलने लगा था, मैंने टीवी ऑन कर दिया था गलती से, तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक. मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि धूप कितनी भयंकर हो रही है. एंड देखिए, मतलब सूरज बहुत बहुत ही ज़्यादा तत्पर है, और ये जाली हमने बेला की वजह से लगाई है, ये मैं आपको इस व्लॉग में बताना चाहती हूँ. बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से. तो अभी मैं बस आपको ये अपडेट कर रही हूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी और शाम को, तो वही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. और ये कड़ी की रेसिपी मेरी बहन ने मुझे सिखाई थी, तो मेरी बहन को बहुत बड़ा थैंक यू मुझे कड़ी सिखाने के लिए. एंड बस मैं आपको यही यहाँ अपडेट कर रही हूँ. तो अभी कड़ी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, तो देखिए कड़ी में क्या क्या डलता है एंड कैसे कैसे कड़ी बनती है. बने रहिएगा मेरे व्लॉग में. एंड यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन की कलियाँ हैं जो मुझे अभी छीलनी है, ये सब कुछ मुझे अभी छीलना है, और धनिया पत्ती जो सबसे लास्ट में काम आएगी, एंड यहाँ पे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता ना हो तो कड़ी का स्वाद ही क्या है, एंड ये मिर्ची. तो बस अब ये सब कट कर लेते हैं. तो अभी थोड़ी देर मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो मैंने चॉपिंग वॉपिंग कर ली है. ये टमाटर, ये प्याज, यहाँ कड़ी पत्ते, मिर्ची, लहसुन, ये धनिया मैंने काट के रख दिया, बस पानी में भिगो के डालना होगा, एंड में करना है वो. तो अब कड़ी बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं. तो यहाँ कड़ी बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं. तो मैंने ले लिया दही, 2 टेबलस्पून दही लिया है मैंने, एंड दही ले लिया है, उसको छाछ की तरह एकदम पतला कर लूँगी मैं, एकदम पतला पतला उसको कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत पतली कड़ी बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा गाढ़ी कड़ी पसंद नहीं आती है, तो मैं एकदम पतला कर लूँगी. मैं और पानी डालूँगी अभी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पतला कर लूँगी एंड भिलो लूँगी मैं इससे. ये मेरे पास रही है जो हाथ वाली रही है, तो मैं उसको इससे रही से इसको अच्छे से भिलो लूँगी और एकदम प्रॉपर वे में पतला पतला कर लूँगी इसको. ये देखिए एकदम छाछ एकदम पतली हो गई है, तो अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें मतलब बेसन डाल दिया था. बेसन तो ज़रूरी होता है कड़ी में, ये आप सबको लोगों को पता ही होगा, तो बेसन डाल दिया था मैंने यहाँ पे. एंड फिर मैंने इसको अच्छे से मतलब मिक्स किया, एकदम 2 टेबल स्पून बड़े बड़े भर के मैंने बेसन इसमें डाल दिया. एंड फिर मैंने रई ली और इसको अच्छे से बिलो लिया, और उसके बाद मैंने इसमें डाला वापस से. मैं आगे आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी. मतलब यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया अच्छे से प्रॉपर. फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक, एक चम्मच नमक डाला होगा, 1.5 स्पून एकदम नमक डाला होगा, एंड तो 1 स्पून मैंने हल्दी डाल दी. हल्दी डाल के फिर मैंने इसको अच्छे से रई से चला लिया.
मतलब पतला कर लेना, एकदम छाछ की तरह बना लेना है दही को, एकदम पतली पतली कढ़ी का घोल बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ अब मैंने तेल चढ़ा दिया है, मैंने एकदम प्रॉपर शूट किया था लेकिन प्रॉपर शूट हुआ नहीं क्योंकि पता नहीं कैमरा ऑफ हो गया था क्या हो गया था। तो मैंने इसमें डाल दिया है, पहले सरसों का तेल डाला, सरसों के तेल में मिर्ची, कड़ी पत्ता एंड प्याज, टमाटर और एक तेज पत्ता मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से मैं इसको भून लूँगी, जब ये एकदम अच्छे से प्रॉपर भुन जाएगा तो मतलब मैंने एकदम अच्छे से भून लिया इसको धीमी आंच पे, और प्रॉपर ये जब भुन गया तो मैंने जो घोल तैयार किया था इसको एकदम हिला लिया घोल को, एंड इसमें मैं डाल दूंगी घोल को क्योंकि, और जब घोल डल जाए तो उसके बाद मतलब घोल को एकदम प्रॉपर वे में हिलाते रहना है, मतलब आपको जब तक आप इसमें उबाल ना आ जाए तब तक आपको प्रॉपर वे में हिलाते रहना है। एंड बस अब यहाँ मैं चम्मच चलाती रहूँगी ये, जब तक इसमें उबाल नहीं आ गया मैंने चम्मच चलाती रही। और ये भी मैंने प्रॉपर शूट किया था लेकिन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली शूट। तो मैंने घी लिया, घी में लहसुन एंड राई का छौंक डाला इस करके इसके अंदर डाला उसको, एंड छौंक तैयार किया पूरा घी का छौंक डाला था इसके अंदर, आप भी डाल सकते हैं घी का छौंक, बहुत ही स्वाद लगता है। और मैं मतलब ज़रूरी नहीं, मेरी कढ़ी पक चुकी थी, ज़रूरी नहीं है आप मतलब छौंक के बाद भी इसको चलाएं, लेकिन मुझे क्या ज़्यादा पकी हुई कढ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने छौंक के बाद भी मैं थोड़ी देर इसको चलाती रहती हूँ एंड धीमी आंच पे मैं इसको चला रही हूँ। वो आपके ऊपर है, आप कौन मतलब नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं, चलाते हैं तो भी बढ़िया है, छौंक से पहले ही अच्छी तरह पक जाए तो बहुत बढ़िया होता है। और मेरी कढ़ी एकदम तैयार है पककर, मैं अब थोड़ा सा गैस तेज कर दूंगी, प्रॉपर उबाल आने लग गया है देख लीजिए, अब उबाल आने लगा है। तो मैं अब बस जो कटे हुए मैंने रखे हैं धनिया पत्ती वो मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी, और मुझे धनिया पत्ती का स्वाद बहुत अच्छा लगता है कड़ी दाल सब में, धनिया पत्ती मेरी फेवरेट है, धनिया पत्ती के बिना मैं कुछ बना नहीं सकती, मतलब मुझे बहुत पसंद है धनिया पत्ती डालना। हाँ आप बताओ कैसी बनी है? मम्मी एकदम मस्त। बेला कैसी बनी है कड़ी? मस्त कड़ी बनी है मम्मी। अरे वाह मस्त कड़ी, ये कड़ी हमारी, ये खीरा रोटी, अब हम कड़ी खा के देखते हैं कैसी बनी है। हेलो, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं रात में ब्लॉग एंड करना भूल गई थी तो मैं अभी एंड करने आई हूँ, और होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो बस अभी एंड करती हूँ ब्लॉग को, आपको अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके पास प्रॉपर व्लॉग आए क्योंकि बहुत गैप हो गया, आपको सिचुएशन पता थी तो उस गैप को कवर करने की कोशिश करूँगी मैं। एंड बने रहिएगा मेरे चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।